फ्रॉम दी अदर साइडी हाव यू व्हाट्सअप जल्दी से बता दो मुझे कि क्या चल रहा है क्या हाल चाल है मीन वाइल आई वेट फॉर अदर किड्स टू ज्वाइन द सेशन एंड देन वी विल स्टार्ट आउट टॉपिक ओके चलो हाउ हैव यू बिन क्या हाल चाल है बढ़िया है अभी तक हम लोगों ने सुनामी के पार्ट वन और पार्ट टू को कम्पलीट किया है आई होप दैट वॉज इंफॉर्मेटिव आई होप इट डिड अ लिटिल और मोर मोर देन लिटिल हेल्प टू यू गाइज इन योर एग्जामिनेशनस क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कॉम्प्रिहेंशन चेक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और हमने थर्ो थर्ली रिवाइज़ किया है थारो रिविजन किया है ठीक है नाओ सिंस वी हैव गॉन थ्रू ऑल द लाइक बोथ द पार्ट्स ऑफ सुनामी नाओ इज़ द टाइम टू गेट अक्वेंटेड विद द थर्ड पार्ट एज वेल ठीक है चलो भाई कोई ग्रीटिंग्स नहीं हुई है ना कोई आदाब ना कोई सत सत्यकाल ऐसे ही शुरू कर दिया हमने है ना सो आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन टू टू द वेरी सेशन इन फैक्ट माई नेम इज़ नदिया अरोरा एंड इन केस इफ यू डाइव इन टू आर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड जिसका नाम है जी एन आई डी एच आई ज़ीरो वन ठीक है दिस कोर्ड विद स्ट्रेटअप लीड यू टू फ्लैट टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट मिलने वाला है आपको इसमें बंपर एंड यू कैन इजिली एस योर स्कूल एग्जाम्स विद आस दैट इज थ्रू एन अकेडमी ओके बेटा चलो जल्दी से हम लोग जो है सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर देते हैं शेयर कर देते हैं फटाफट से और बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं क्योंकि पार्ट थ्री जो है मेरा वन ऑफ़ दी फेवरेट पार्ट्स में से होने वाला है जिसमें हम लोग और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे टॉपिक की अच्छे से वील बी वेल वॉस्ड विद द टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आई कैन गारंटी यू लाइक योर बेस्ट बेट एट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लिटरेचर वुड बी दिस क्लास दिस आई कैन रियली अश्योर यू दिस आई कैन रियली गारंटी यू ठीक है तो फिर आपको अगर बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी चुट छोटी हेल्प चाहिए रहेगी अपने एग्जाम्स में एस करने के लिए बढ़िया मार्क्स लाने के लिए तो यू लाइक यू ऑट टू लिसन टू द क्लास्ट यू ऑट टू लिसन टू द सेशन केयरफुली ओके ठीक है सो दैट्स अबाउट इट अब इंट्रोडक्शन के बारे आ जाए कर ले थोड़ा सा मतलब मेल मिल आप कर लेते हैं Uh, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे यहाँ पे नए ज्वाइन करते हैं सो मेनी ऑफ यू डोंट ऑलरेडी नो एज टू हु एम आई एंड वाई एम आई ह्योर इन द फर्स्ट प्लेस है ना तो लेट्स गेट अ क्विंटेड मीन वाइल आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में अपने जो है इंट्रोडक्शन तड़कता भड़कता सा दे सकते हो आई विल लव टू नो मोर थिंग्स अबाउट यू सो दे यू गो हाई डियर लर्नर्स माई नेम इज़ निधि अरोरा यर इंग्लिश एजुकेटर ऑन आर अकैडमी I'm a graduate from Hansraj College Delhi University, and I'm also a postgraduate from Jamia. <coughs> now, I've been in education space for quite a good while now. Like three is a, uh, three years is a really good time. That's what I believe to learn uh, and to get to know uh, about children like you. <coughs> So, I've legit taught my, tried my hands into teaching um, students who are competing for like uh, this competitive examinations like SSC and NDA, vocab, sac, uh, vocab uh, section, vocab part uh, mostly. And then, uh, so I've really taught and I have really dealt with the students uh, who are dealing with their.

तो डोंट स्पैम मी विद लेम मैसेजेस नाउ यार अपने बारे में भी कुछ बता दो एज टू हु ऑल यू आर वेयर आर यू गाइज फ्रॉम वॉट आर यू लाइक्स डिसलाइक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो पर्सनल स्टफ्स भी हम लोग पूछते रहेंगे लेट्स गेट अक्वेंटेड उसके लिए भी एक चट चार्ट सेशन बढ़िया सा रखेंगे अलग से बट फॉर द टाइम बींग लेट्स जस्ट गेट टू नो लेट्स जस्ट गेट अक्वेंटेड विद द टॉपिक जो कि है सुनामी ठीक है ये आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा सुनामी लेकर आता है इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर के बाद ये भी हम अच्छे से जानेंगे सो एज आ ऑलरेडी टोल्ड यू बिटा कि जो हमारा सुनामी टॉपिक है टी एस यू एन एम आई जल्दी से मुझे बता दो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सुनामी जो भी मुझे क्विकली रिप्लाई करे करके बताएगा आई हैव अ ड्यू रिवॉर्ड फॉर दोज पीपल ठीक है फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड चलो जल्दी से बता दो मुझे सुनामी वॉट इज दिस वर्ड सुनामी मीन और ये कितना बड़ा नामी नाम है ये मुझे बताओ वेर इज़ इट डराइव फ्राम एंड ऑल ऑफ दोज रिक्वायर्ड थिंग्स क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है यार कि इतना जो हम ये टाइटल ये जो थीम लेकर आए हैं इज दिस इवन जस्टिफाइड विद रेफरेंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक जो भी आपका चल रहा है जो भी आपने पढ़ा है तो मुझे बताओ जल्दी से सुनामी 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 क्या समझते हैं कितनी सुनामी आई है आपकी लाइव्स में इस टॉपिक के बाद से या फिर आने वाली है mm, बताओ चलो चलो जी ठीक है बाय ना आई थिंक वी आर वेल वर्ज ऑफ़ द टॉपिक लेट स्टार्ट टुडे सेशन बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि आज इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस पार्ट थ्री पार्ट थर्ड पार्ट नंबर थ्री सेपरेटली क्यों हम इसको इतना अलग पढ़ना चाहते हैं ना सो दैट दैट शुड बी आर ऑब्जेक्टिव वो होना ही चाहिए क्योंकि बेटा पार्ट वन और पार्ट टू को हमने सेपरेटली पढ़ा अब ये जो थर्ड पार्ट है ना इसका जो इंट्रो था ना वो आपने बिफोर यू रीड में पढ़ा था नहीं मैं गारंटी दे रही हूँ आई अश्योर यू एंड आई रिकी कन्फर्म यू कि आपने पढ़ा था क्योंकि आपसे पूछा गया था एक सवाल एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है क्या जो एनिमल्स होते हैं उनको सच में कोई सिक्स सेंस होती है कि उनको कोई डिज़ास्टर की प्रिडिक्शन पहले से हो जाती है और यू यू रियली हर्ड सम एनिमल डाइड इन टू डाइड इन द नेशनल डिजास्टर आपने ऐसा कुछ देखा है या कभी सुना है या फिर आपको लगता है उनको सिक्स सेंस है अपना आंसर uh, जो है अकॉर्डिंगली रीफ्रेम करके बताओ so i think that you guys must have thought it through by now I, that's what I, i'd like to believe so uh, but if not then let's just discuss uh, more and more things about it more stuffs about it just so we could uh, you know enhance our um, you know barriers of knowledge अब बात करते हैं बेटा कि मेरे मतलब स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ आई डू रियली थिंक आई पर्सनली बिलीव दैट येस एनिमल्स डू हैव सिक्स सेंस एंड दैट्स वट आईव बिन टोल्ड सो आई आई डिड माई रिसर्च डू नॉट वरी एट ऑल मुझे ऐसा लगता है कि यार नेचर ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस आउट करता है फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप नेचुरल रिसोर्स देख लो सब कोई अपने आप को बैलेंस आउट करके रखेगा बीट एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट हर एक रॉक भी जो है अपने आप को बैलेंस आउट करके रखता है ना एक्सेस में होती है कोई चीज़ ना ही किसी चीज़ की स्कैसिटी होती है ठीक है अब वो हम एक्सप्लॉयड करते हैं उस वजह से ज़रूर हो जाता है बट इनिशियली फ्राम द वेरी लाइक जो स्टार्टिंग में था सो वी ह्यूमन्स हैड द एक्सेस टू अबंडेंस ऑफ रिसोर्सिस मतलब वो था हमारे पास में uh, वो कभी भी ऐसे डर्थ uh, नहीं फील हुई सो वी वर प्रिवेज इन अ वे क्योंकि हम ह्यूमन्स थे ना इन अ वे कि नेचर में हम ह्यूमन्स के साथ साथ और भी बहुत सारे क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं लिविंग की भी अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं बर्ड्स होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो इन सब की भी ना कोई ना कोई, कोई क्वांटिटी होती है जिससे नेचर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सो so, अब अगर एनिमल्स और ह्यूमस की बात करें तो उनमें ना मेजर डिफरेंस यही है हम उन्हीं से ही बने हैं वैसे तो इंसेस्टर्स हैं वो हमारे बट हमारा थिंकिंग हाई ह्यूमन थिंकिंग लाइक ऑर्डर स्किल्स होता है तो वी हैव दिस थिंकिंग ऑर्डर हमारा जो है उनसे डिफरेंट होता है क्योंकि वी हैव दिस ई क्यू एंड आई क्यू ठीक है इमोशनल क्वेश्चन भी होता है और इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी होता है नाउ आई टोटली लाइक टू अग्री अपॉन दिस पैक कि एनिमल्स में भी ई क्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन होता है जब वेन एवर दे गेट स्लॉटर्ड जब भी उनके साथ कुछ भी बुरा होता है जो उनको मार धाड़ के काटा जाता है खाया जाता है सो दे हैव दिस ह्यूमनली दे हैव इमोशंस लाइक आस विच गेट्स यू नो विद द कोर्स ऑफ टाइम पैसेज ऑफ टाइम जो आपको किसी ह्यूमन के नेचर में ज़रूर दिखेगा कहीं ना कहीं दैट्स दैट्स वॉट आई पर्सनली बिलीव तो वो जो इमोशंस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो उसी ह्यूमन में देर लाइकली टू गो देर क्योंकि जो भी वो हुवर कंज्यूम्स दैट प्रोडक्ट मैनुफैक्चर फ्राम दैट पर्टिकुलर एनिमल क्योंकि वो उसके इमोशन होते हैं वाइल ऐट द टाइम वेन एवर दे गेट्स लॉटर तो कहने का तात्पर्य ये है अल्टीमेट uh, पॉइंट ये है दे डू हैव सिक्स सेंस क्योंकि उनमें एक चीज़ की कमी है दैट इज़ माइंड दैट इज ब्रेन्स सो दे दे डू नॉट हैव द माइंड ऑफ देयर ओन इतना नहीं सोच पाते हैं वो इतना दिमाग नहीं होता उनमें सोचने का या किसी चीज़ पे एक्ट करने का दे आर नॉट गिफ्टेड विद नेचर बाय ऑल ऑफ दोज थिंग्स सो सो वेर एवर दे लैक दे गेट कॉम्पेंसेटेड बाय दिस सिक्स सेंस likewise is the case with physically challenged people if they lack something in their like body parts physically or uh, mentally if there is any disorder so it gets compensated by some sixth sense which guide uh, which guide them through okay तो ऐसा कुछ विद गाइड्स देम थ्रू तो ये ऐसा कुछ उनको दिखाया जाता है वो प्रिवेलेंट है दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई वेसिनिटी आई एम श्योर यू गाइज हैव टू पता नहीं जस्ट लेट मी नो इफ़ यू गाइज हैव नहीं भी पढ़ा है नहीं भी सुना है कहीं पे भी तो कोई बात नहीं जिंदगी बहुत uh, आगे है अभी और भी चीज़ें देखोगे एक्सपीरियंस करोगे सो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द कॉस ऑफ टाइम ठीक है चलो तो यहाँ पे दैट वॉज माई से ऑन इट कि येस yes, क्योंकि बैलेंस में नेचर में सब कुछ बैलेंस आउट होता है तो एनिमल्स के पास अगर दिमाग नहीं है तो वो उनको एक सेंस एक्स्ट्रा दे दी है ठीक है तो वो नेचर ने दी है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेते हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड भी कोई बात करें बी इट मतलब अगर एनिमल्स की थिंकिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं हो भले ही अगर आप बात करो कि कभी भी कोई क्रिमिनल को कैच करना हो ठीक है कोई स्मगलर को पकड़ना हो तो हमेशा पुलिस के हाथ में ना कोई ना कोई वो डॉग होता है बहुत स्केरी सा डॉग होता है वो डॉग जो हैं काम आते हैं कोई भी फिशी चीज़ को पकड़ने के रात को भी स्ट्रेट डॉग्स कभी इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड तो स्ट्रेट डॉग्स ऑलवेज स्मेल यू ठीक है वो आपको हमेशा आपकी फ्रेगरेंस को सेंस uh, करके जाते हैं जस्ट सो दे कैन गेट अ फेयर शेयर ऑफ आइडिया एज टू हु यू आर आई यू इनसेंट और गिल्टी ऑफ समथिंग तो वो उन्हें uh, नीयत से उनकी कॉन्शियंस बता देती है उनको सो दैट्स हाउ देव बिन गिफ्टेड डॉग्स तो बिकॉज एज देर मोस्ट लॉयल एज देर कंसिडर टू बी मोस्ट लॉयल हाउ एवर दे आर द मोस्ट सेंसिटिव क्रिएटर्स तो इसलिए उनको ज़्यादा चूज किया जाता है ठीक है ऑल्सो आपने यार इफ़ एनीबडी हैज़ एनी काइंड ऑफ पेट्स ना तो आपको ज़रूर पता होगा यार इनके पास सिक्स सेंस होते हैं बड़े समझदार होते हैं सूं के बस दूर से पहचान जाते हैं कि कौन आने वाला है कौन जा रहा है किसके दिमाग में क्या चल रहा है इफ़ समबडी इज़ प्लानिंग टू गो लीव देयर हाउस दे स्टार्ट बाकिंग ऑलरेडी ठीक है दैट्स वॉट दैट इज़ रनिंग इन देयर माइंड इवन इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज हमारे इंट्यूशन uh, टूशन को वो सेंस कर लेते हैं गिफ्ट है सब ठीक है तो देर द, द, द दे ब्लेस्ड विद दिस सिक्स सेंस अब मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिया है क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है उसका इंट्रो दे दिया था बिफोर यू रीड में जब पार्ट वन पढ़ रहे थे ना उससे भी पहले ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल्स पे बेस्ड ही है तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा फिर आपको एक स्टोरी बताई जाएगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या एनिमल्स भी ऐसे सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरल कैलामिटी नेचुरल हिजार्ड हिजार्डियस टाइम पे क्या वो भी सफ़र करते हैं या उन्हें पहले ही पता चल जाता है तो वो भाग जाते हैं क्या चलो पहले पता चल गया सो चल गया क्या वो भाग पाते हैं अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते तो उनको आपने सफ़र करते हुए देखा है या नहीं दिस इज वॉट आर चैप्टर इज यानी कि पार्ट पार्ट इज ऑल अबाउट ओके तो जल्दी से सीट की पेटी बांध देते हैं क्योंकि गाड़ी करने वाली है टेक ऑफ एंड गिव मी अ जल्दी से मुझे बताओ कि आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट ऑफ विद टॉपिक और नॉट नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगी स्टार्ट में तो और भी बहुत ज्यादा ज्यादा जो है गप्पे लड़ा सकती हूँ आई हैव प्लान आई हैव प्ले प्लान्ट प्लेंटी ऑफ थाट्स इन माई माइंड तो आई कैन यू नो ब्ला ऑल अबाउट इट बताओ हाउ सो एवर वर्कस फॉर यू ठीक है चलो अभी तक कह ही रहे हो तो कर ही देते हैं मुझे पता ही था वो तो बोलना ही था आपको लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक अगर आप बोलते ना कि मैम थोड़ी सी और बातें करनी है तो फिर बस फिर बस बस जो है फिर चार्टें पड़ जाते हैं ठीक है ओके एनी हु यहाँ पे बेटा एक पिक्चर है जिसमें ना अ बॉय इज सिटिंग हेल्पलेस ऐसे लग रहा है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है सब खाली हो गया है ऐसे लग रहा है कि एक तू फान आया इसकी लाइफ में और इसका सब कुछ ले गया एंड ही इज जस्ट ही इज जस्ट सिटिंग विद नथिंग सो ऑल ही हैज़ इज नथिंग सो नाउ ही हैज नथिंग टू टू लूज एक्सेप्ट नथिंग सो आई नाउ यी हैज़ नथिंग टू लूज बट लूज ठीक है तो इसके पास यही बचा है ऐसी कोई मुझे रूइनसी फोटो दिख रही है तो यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज आएगी बेटा सो so, ये बिफोर यू रीड वाला पार्ट है इसको देख लेना एक बार आई रीड इट आउट फॉर यू बट सिंस यूगाजर ह्यूमन्स आप एलियंस तो नहीं लग रहे हो यार मुझे ऑल दो आई कैन नॉट सी यू बट डिस्पाइट

यहाँ पे बोला है बेटा लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ़ द बॉय आपको इस बॉय की पिक्चर को बहुत केयरफुली देखना है देखना है बहुत अच्छे से देखना है एंड हिज डॉग उसके डॉग को भी देखो यहाँ देखो ये साइड में प्यारों सा छोटा सा डॉग है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपनी उसमें देखना ज़रूर किस में देखोगे आ, अपनी ना उसमें देखना आ, बुक में हनी ड्यू बुक में जूम करके या फिर लेट मी जूम इट इन फोर यू ठीक है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये देखो i do i'm not sure if it is visible to you or not but i i hope it is okay? so this there's this boy and along with that boy yeah, it's a dog okay? it's a dog lying beside him so <clears throat> back to the topic let me look for my pointy and wait yeah there you go पे बोला है आप इस पिक्चर को अच्छे से देखो बॉय की पिक्चर है ये और उसका डॉग है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी आपने देखना है आप उसको ट्राई करो डिस्क्राइब करके देखो क्या क्या चीजें आपने उसमें देखी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस सिर्फ और सिर्फ शब्द देखने हैं आपने और फ्रेजेज वाक्यांश देखने हैं तो यही दोनों चीज़ों को देख के रेक्टिफाई करो आइडेंटिफाई करो आई द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड या तो टीचर या फिर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो आ, या फिर वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को अगर आपके पास दिमाग में कोई वाक्यांश है या फिर कोई वर्ड्स है शब्द हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा नो वरीज दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो ये बॉय बहुत सुकून में बहुत शांति में बैठा है सो काम है काम ठीक है बहुत शांत है और इसके पीछे है ब्लू सी इंड हट्स क्या क्या दिख रहा है मुझे इस सिनारियो में इस नज़ारे में रूइंड तहस नहस होने वाली हट्स उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये जो बच्चा है ना ये फूड डिप्राइव्ड है यानी कि स्टार्व्ड है और फेमाइन छाया हुआ है ठीक है देखो वट कैन वट एल्स कैन यू प्रिडिक्ट बाई लुकिंग एट दाई एंड द फोटो एंड द सिनारियो ऑल टुगेदर मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे लैंड स्लाइड से हो गए हैं क्योंकि बहुत सूखा सूखा पड़ा हुआ है ना ऐसे कुछ बाढ़ का तो नहीं लग रहा हाँ क्योंकि सूखा सूखा पड़ा हुआ है घर झोंपड़ी सब तहस नहस हुए हुए हैं तो मुझे लग रहा है ऐसे कोई फैमाइन भी आया हुआ है भूखमरी आ गई है और लग रहा है कि लैंड स्लाइड्स हो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है कोई ना कोई डिजास्टर तो हुआ है ठीक है तो आई विल राइट इट एज या तो लैंड uh, स्लाइड भी बोलूँगी और फेमाइन भी बोलूँगी बट आपको क्या करना है बेटा uh, जो भी इस सिनारी में दिख रहा है ना वो सब लिखोगे चलो लिख डाले अपनी दिल की बातें कह डाले सो वॉट डिड यू फाइन्ड सपोज करो माई ड्राॅइंग इज नॉट सो गुड ऑल दो कि ये बच्चा बैठा है क्या ही बनाए तो मैंने भूत लग रहा है ये तो साथ में इसके डॉग है डॉग बनाने की निंजा टेक्निक आई नो हाउ टू मेक अ डॉग आई विल ड्रॉ इट एज दिस ये वैसे डॉग तो नहीं है जैसे उस फोटो में था यस फाइव फाइव थ्री से आई कैन मेक अ डॉग ठीक है लुक एट इट लुक एट दिस डॉग हाउ क्यूट डज इट लुक डज इट लग रहा है ना ठीक है इसके साथ में भूत नहीं है वो बॉय मान लेना बी ओ वाई बॉय बॉय भी बनाना आता था वैसे मुझे नहीं वो गांधी जी के चश्मे से कुछ तो आता था है ना कुछ तो ऐसा था आई एम नॉट टू श्योर क्या था वो ठीक है एनीवे anyway, वे तो यहाँ पे ना डॉग का फ़ोटो है और बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे ना ऐसे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा ये सूखा सूखा लग रहा था तो ये सिनारियों देखे मुझे लगा कि आ, सुनामी तो नहीं बट मुझे लैंडस्लाइड ज़रूर लग रहा था कि कुछ सूखा आ गया है ठीक है लैंडस्लाइड और मुझे लग रहा था कि ना वो आ गया है ज़रूर कि मतलब भूख भुक, भूखमरी आ गई है कि वो बहुत भूखा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा उसमें पॉवर्टी ठीक है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा लग रही है गरीबी आ गई है और भूखमरी भी आ गई तो फैमाइन आइल राइट ये वर्ड्स मुझे इसको देख के याद आते हैं और क्या लग रहा है आपको वाट एल्स डू यू थिंक इट कुड बी दिनारी कुड बी ऑल अबाउट सोचो एनिमल एनिमल सफ़र कर रहा है चाइल्ड भी सफ़र कर रहा है लेकिन मुझे ये ये सिनारी लग रहे हैं तो अगर आपको और कोई सिनारी लग रहे हैं देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई वुड लव टू रीड ठीक है पहले तो ये सारे तो नोट डाउन कर ही कर लेना रूइंड इंड हट्स दिख रही हैं मुझे डिस्ट्रॉयड प्लेसेस या डिस्ट्रक्टेड प्लेसेस लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टेड प्लेसेस ये लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो शेड ट्रीज़ यानी कि पत्ते झड़ चुके हैं ट्रीज़ में से शेड ट्रीज़ सूखे पेड़ हैं एकदम है ना ड्राई ट्रीज़ भी लिख सकते थे बस दिस इज़ दिस इज द मोस्ट आई कुड थिंक ऑफ ठीक है आपको अगर कोई लग रहा है तो ये मैंने वर्ड्स बता दिए थे यहाँ पे ये वाक्यांश यानी कि ये फ्रेजेस बता दिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को औके okay, चलो खुडोज नाउ कैन वी गेट बैक टू आर स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन पहुंच जाते हैं हे देर अगेन आगे देख लेते हैं और क्या बोला है और बोला है बेटा लुक केयरफुल एट द पिक्चर आपने इस पिक्चर को देख लिया बॉय की पिक्चर है और डॉग है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी जो भी चीज़ें थी वो देख ली फ्रेज बता दिया जैसे कि यहाँ पे देखो क्या था ब्लू सी काम रूइंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये ये पूरा पार्ट हमारा खत्म हो गया अब क्या आता है बेटा वेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकिन आपके अकॉर्डिंग ये पिक्चर कब ली गई होगी ये सोचना है ज़रा ठीक है सो वैन अकॉर्डिंग टू यू दिस पिक्चर मस्ट हैव टेकन यानी कि आफ्टर द डिज़ास्टर सो आई पर्सनली थिंक दैट दिस पिक्चर हैज़ बिन टेकन आफ्टर सो द पिक्चर वॉज टेकन आफ्टर सम हजारडियस हजारडियस इंसिडेंट दैट्स वट आई बिलीव तो आप भी बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और नॉर्मल डेज में कैसे पिक्चर नहीं लेगा कोई ना द क्वेश्चन द क्वेश्चन एयर ऑफ द एरा और द क्वेश्चन ऑफ़ द डे आपके लिए कुछ सुपर नेचुरल क्वेश्चन भी हो सकता है सोचो क्या है ये सुनामी से रिलेटेड है बेटा डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी तो अगर आपको लगता है कि जानवरों को ना पहले से पता चल जाता है प्रडिक्शन हो जाती है

उस टाइम पे अगर कोई एक्ट कर ले तो शायद वो बच जाए बाकी तो सब अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं ना इट्स जस्ट डेथ एंड बर्थ इज़ इन एविटेबल तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एनिमल तो नहीं बच सकता है सम ऑफ देम मस्ट हैव डाइट सो अगर आपको नहीं पता हो तो अभी आपको पता चल जाएगा इन दिस वेरी स्टोरी ओके ठीक है तो आर वी रेडी टू स्टार्ट ऑफ आई गेस वी आर ही सकते हैं अब तो है ना ठीक है कर लेते हैं चलो बेटा दूर किसी बंगले में ठीक है बात होती है यहाँ से लेट मी टेक मा हाई लाइट ऑफ टाइम यहाँ पे आता है बेटा कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया के साथ वो अटैच होता है ना वो श्रीलंका तो यहाँ पे बोला है कि जिससे पहले कि वो जॉंट बहुत भयानक बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं वो स्लैम करें यानी कि ठोके दस्तखत दें इन टू द कोस्ट किसके कोस्ट पे किसके दरवाजे पे किसके uh, क्या बोलते हैं उसको डोर पे दस्तखत दे इंडिया के या श्रीलंका के वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन जितने भी पालतू या फिर जंगली जानवर दोनों ही टाइप के जानवर थे ना उनको पहले ही पता चल गया था यानी कि हाहाकार मच गई थी वहाँ पर उनको ऐसा देखते ही पता चल गया था कि इंडिया और श्रीलंका पे आने से पहले पधारने से पहले ही सारे चाहे वो बीट सम वाइल्ड एनिमल और द स्ट्रे वंस और द डोमेस्टिक वंस उन सभी को पता चल गया था सो दे फ्ल टू सेफ्टी वो भाग मतलब वो चिल्ला रहे थे दे फ्लेड फ्लू के लिए आता ना फ्लड अवे यानी कि भाग रहे थे सेफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए अब उन्हें कोई बचाए कैसे है ना सो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स आंखों देखा अकाउंट है ये जो आपको पता चलेगा आगे आंखों देखा हुआ है सब कुछ जो भी हो रहा है एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड यानी कि एक ने दूसरे को बताया होगा फिर दूसरे की भी अगर सेंस नहीं जागी होगी तो फिर जागे होगी सो एनिमल्स लिटरली स्क्रीम्ड यानी कि उन्होंने चिल्ला चिल्लम चिल्ली कर दी और फिर वो भागे हायर ग्राउंड पे बड़े मैदान के लिए नाउ पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ इस पैराग्राफ से रिलेटेड उसके बाद वी विल डिस्कस दिस मतलब उसको सामराइज करेंगे फिर से ठीक है तो बिफोर द जाइंट वेव्स जाइंट क्या होता है यहाँ पे सारे वैब अच्छे से लिख लो जाइंट होता है ह्यूज मैसिव वेव्स विशाल स्लैम्ड बेटा स्लैम एक ऐसा वर्ड है जो स्लैम बुक वाला नहीं है तो उसको अपनी डिक्शनरी से हटा देना डोर स्लैम करना यानी कि हम किसी के दरवाजे पे मारते हैं तो स्लैम द डोर यानी कि पटका ऐसे वेव्स भी पटक के आती हैं वैसे ही स्लैम वेव्स भी पटक कर ही आती हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पटका ठीक तो है अटका बटका झटका तो यानी कि जिससे पहले की जो जॉइंट वेव्स हैं वो झटके से आए पटका देकर आए इन टू द कोस्ट कहाँ तक आए दरवाजे पे दस्तखत दें कोस्ट होता है किनारे पर आ जाए किसके किनारे पे इंडिया या फिर श्रीलंका के किसी भी सी वाले ए, सी प्रोन ओशन प्रोन एरिया पर आ जाए दस्तक दे दें दोनों ही जंगली जानवर और पालतू जानवर सबको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है सो so, दे fled टू सेफ्टी वो भाग रहे थे सुरक्षा के लिए fled यानी कि भागना इधर उधर भाग रहे थे इन ऑर्डर टू टेक हेल्प सीक हेल्प बेसिकली दे वॉन्टेड सम हेल्प अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट आंखों देखा ये एक अकाउंट है यानी कि कहानी है आई विटनेस विटनेस क्या होता है जिसने सब कुछ देखा है तो यानी कि आंखों देखा वैसे तो वर्ड इट सेल्फ सेज तो लिखने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी आंखों देखा सच है ये अकाउंट है देशा नहीं है देखा है ओके okay? आंखों देखा अकाउंट है एलिफेंट स्क्रीम्ड एलिफेंट्स चिल्लाए और बड़े बड़े ग्राउंड के लिए जा रहे थे एलिफेंट्स स्क्रीमिंग ऑल ओवर एलिफ़ेंट्स तो सबसे पहले पता चल जाता है बेटा पता है आपको स्क्रीम यानी कि चिल्लाए और बड़े मैदान के लिए भागे कि हम नहीं हम हमसे यहाँ रुका ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी सो ऑल दो द लैंगेज इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय अस हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं हम उनका दर्द नहीं समझ पाते हम उनके इमोशंस नहीं समझ सकते क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती उनकी एक्सप्रेसिवनेस समझ नहीं आती बट हाँ द ऑर्डर द वे दे एक्सप्रेस दमसेल्व द मैन यानी कि इन द मैनर दैट दे रोम अराउंड एंड दे ट्राई टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड दे ट्राई टू कन्वे देयर मैसेजेस टू आस इज़ बिजा लाइक इज़ बियॉन्ड वर्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा Uh, मतलब पता चलती है उनकी फ़ील होती है बातें उनके इमोशंस फील होते हैं ठीक है एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेसड इन वर्ड्स किसी भी वर्ड्स में उसको बयान नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे बोला है यार कि जाइंट वेव्स बड़ी घमासान वेव्स जब पटक के आ रही थी झटके दे रही थी उससे भी पहले इंडिया और श्रीलंका के किनारे पे जंगली और जो पालतू तो जानवर है सबको पता चल गया था एक दूसरे को मारा नहीं उन्होंने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया बट इंस्टेड दे ऑल वर स्कैड दे ऑल शाउटेड दे ऑल फ्लेड टू सीक हेल्प और ये सब कुछ आँखों देखा है कि एलिफेंट्स लिजिट भाग रहे थे एक दूसरे की तलाश में हेल्प मिल जाए कहीं से ठीक है तो फर्स्ट पार्ट अभी तो ये सेकंड पार्ट ही चल रहा है और थर्ड पार्ट है बेसिकली बि चाहिए इसको थर्ड कर लेना सब जगह मैंने सेकंड कर दिया थर्ड कर लेना बट यही सब पूरा चल रहा है इनका ठीक है तो एलिफेंट्स भाग रहे थे और एनिमल्स कितने लोग जो हैं अफेक्टेड हुए और उनकी क्या दशा रही इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं अब यहाँ पे बोला है बेटा डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स जितने भी पालतू डॉग्स थे उन्होंने बोला बाहर नहीं जाएंगे भाई अंदर ही रहेंगे हम बस ठीक है उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने से फ्लैमेंगोज जितने भी बर्ड्स हैं अबैंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज उन्होंने अबैंडन यानी कि त्याग दिया छोड़ दिया जो वो निचली जगह पर रहते थे ब्रीड करने के लिए बच्चे देने के लिए ठीक है तो वो जगह उन्होंने छोड़ दी अपना पूरा घोसला छोड़ दिया इन अ वे एंड जू एनिमल्स रश्ड इन टू द शेल्टर जू एनिमल्स यानी कि जितने भी जू में रहने वाले जानवर हैं वो भागा दौड़ी करने लगे कि हमें बस कोई छत दे दें सुकून भरी शांति भरी एंड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट और उन वो एनटाइज यानी कि वो बस चाह रहे थे कि हमें अन टाई कर दें और हम जो है बाहर जाने के लिए बस कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लें सो दैट्स वर्ड देव बिन मीनिंग फॉर ऑल दिस वाइल्ड ओके ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला बेटा डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स डॉग्स ने मना कर दिया कि आउटडोर्स तो नहीं जाने का फ्लैमिंग गोज़ अबैंडन यानी कि त्याग दिया उन्होंने ठीक है लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज यानी कि निचली लो लाइंग क्या होता है निचली वो गर्म जगह पे जहाँ पे वो रहते थे और जहाँ पे वो ब्रीड करते थे उन एरियाज़ को त्याग दिया जू एनिमल्स सब भाग रहे थे अपने शेल्टर्स में और उनको एंटाइस नहीं किया जा रहा था कि वो वापस अपनी जगह पे आ सके एंटाइस यानी कि टाई नहीं किया जा रहा था बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी और उनकी बातें कोई समझ ही नहीं पा रहा है ना वो बताएं तो कैसे बताएं हमारी लैंग्वेज तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं तो अनकंट्रोलेबल मोमेंट हो गया था वो आ, तो इसको हटा देते हैं रिसोर्ट को हटा देते हैं बेटा एंटाइज आना था यहाँ पे रिसोर्ट पुराने वाला वर्ड मीनिंग है ये तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि डॉग्स सो ऑल द डॉग्स दे रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स उन्होंने बाहर जाने से ही मना कर दिया वी विल नॉट गो एनी वेयर हम जाएंगे नहीं फ्लमिंगोज तो यहाँ पे आपसे पॉइंट पूछा जाएगा एलिफेंट जो है दे वर रोमिंग अराउंड दे रन इन टू हायर एरियाज हायर ग्राउंडस उनको बड़े बड़े ग्राउंड में जाना था डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया पॉइंट नंबर थ्री फ्लैमिंगोज अबैंड ए लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज उन्होंने अपना निचली ज़मीन पर रहने के लिए जो ब्रीडिंग के लिए घर बना रखा था वो त्याग दिया जू एनिमल्स रश्ड इन टू द शेल्टर्स वो अपने शेल्टर्स में भागने लगे अपने छज्जे पे अपनी छत के नीचे और उनको टाई नहीं किया जा रहा था कि वो वापस बाहर आ जाएं अपने जू में घूमें या फिर अपने जेल में जाएं वापस देवर अनकंट्रोलेबल ठीक है वो सिचुएशन जो थी पैनिक क्रिएट कर रही थी बहुत ज़्यादा जबकि ह्यूमंस वी ह्यूमंस आर फुलिश इनफ टू किल देम टू और फिर हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं वो किस हिसाब से हमें हिंट्स दे रहे हैं पहले से ही तूफान आने से पहले ही उन्हें आइडिया लग गया था ठीक है तो दिस इज़ नॉट सम डेली सोप गोइंग ऑन बच्चा यहाँ पे कोई डेली सोप नहीं चल रहा है जिसमें लाइक uh, like, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कहानी घर घर की, की तरह या डेली सोप की तरह दिया जला रहा है एंड देन इट ब्लोज ऑफ तो जैसे ही वो दिया बुझ गया तो ओ मै गॉड अनर्थ होने वाला है दिस इज़ नॉट सम डेली सोप गोइंग ऑन तो यहाँ पे ये रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एनिमल्स या फिर फिजिकली चैलेंज या कोई भी ऐसे क्रिएचर्स जिनको सिक्स सेंस से वो ब्लेस्ड हैं वो गिफ्टेड हैं उनको सच में पता चल जाता है एंड दे ट्राई टू कन्वे देयर मैसेज बट बिकॉज देयर लैंग्वेज इज़ नॉट ऑपरेशनल देयर लैंग्वेज केन नॉट बी अंडरस्टूड बाई अस ह्यूम्स सो इसकी वजह से केज हो जाता है ठीक है इसकी वजह से फस uh, हो जाता है एंड वी ऑल टूगेदर एज क्रिएटर्स आर नॉट एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन एनी कंक्लूजन पर से ठीक है तो हमें ये ये चीज़ डेफिनेटली पता चली है एलिफेंट्स ने अपने हिंट्स दिए डॉग्स ने हिंस दिए फ्लमिंगोज ने हिंट्स दिए जू के सारे एनिमल्स ने हिंट्स दिए नॉट ओनली दैट ठीक है सब के सब इकट्ठा हो गए थे एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग दे वर बीइंग के राइट right, तो देखो एवरी वन इज़ रोमिंग एवरीवेयर सब लाइक पीपल लाइक स्टार्टेड रनिंग अराउंड आपने देखा होगा यार लास्ट ईयर भी कुछ केरला uh, में वो एलिफेंट से रिलेटेड uh, कुछ हुआ था एंड पीपल जस्ट डिनाइड वो एकदम से फ्लड की वजह से जो है अंदर घुस आया था घरों में बिकॉज दे हैव नो वेयर टू गो टू अब वो भी क्या करें है ना ऐसे ही uh, किसी एक फ्लड इवेंट में ऐसे कोई फोटो आई थी तो किसी ने देखा था ऐसे न्यूज़ में कि पीपल वर गिविंग वे टू लाइक दिस गाय काओ तो काउज़ को रास्ता दे रहे थे सब जस्ट सो दे कुड गो पीसफुली एंड नोबडी डिस्टर्ब्स देम तो इसीलिए सो पीपल समवेयर बी रिस्पेक्टफुल टू देम बट सम पीपल डोंट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये यह बोला है ठीक है आइए चलते हैं नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है बेटा मेनी पीपल बिलीव दैट एक से मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स अ सिक्स्थ सेंस मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी इंक्लूडेड ठीक है तो बहुत सारे पीपल लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स के पास पोजेस यानी कि रखते हैं उनके पास एक पावर होती है विच इज नोन है तो वो फुली वर्किंग होती है आर इनेबल्ड क्रिएटर्स तो एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है एंड नो वेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक उन्हें पता है एग्जैक्टली दे एग्जैक्टली नो कि कब धरती की काया पलटने वाली है कब कुछ फिशी होने वाला है अनर्थ होने वाला है सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट ह्योरिंग हेल्प्स दैम टू ह्योर और फील द अर्थ वाइब्रेशन बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एनिमल्स की ना वो हियरिंग पावर uh, जो है कुछ ज़्यादा एक्यूट होती है इसीलिए वो सुनने में ज़्यादा सक्षम होते हैं ज़्यादा इनेबल्ड होते हैं हमसे पहले अर्थ की वाइब्रेशन को अर्थ में जो भी हो होती होती है वो हमसे पहले सुन लेते हैं ये बोला गया है दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूम रियलाइज वाट्स गोइंग ऑन तो हमारे जो डेसिबल होते हैं ना वो इतने कीयरिंग उनकी स्ट्रांग नहीं होती है कि दूर का कुछ भी उड़ते पंछी को पहचान जाए है ना इस वे आर नॉट एक्सपीरियंसड इनफ नॉर आर वी एबल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू डिस्टिंगविश द साउंड्स एंड द वाइब्रेशंस हमें लगेगा कोई मशीन कर रही है ये वाइब्रेशन वी वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वाइब्रेशन दैट्स वॉट दैट्स नॉट वॉट आर योर ड्रम्स आर बेस्ड आउट ऑफ बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे हम हेल्प के तो है नहीं मतलब नाकाम के ना काज के दुश्मन अनाच के बट ह्यूमेंस दे आर गिफ्टेड इनफ टू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी थिंग दैट्स बिन गोइंग ऑन इन द पाता लोक यानी कि इन साइड द अर्थ क्रस्ट तो ऐसा सब कुछ चल रहा है इनको पता होता है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं भी मानती हूँ ये चीज़ कि एनिमल्स पोजेस करते हैं यानी कि रखते हैं सिक्स सेंस और अर्थ जब भी शेक होने वाली है कब भी कभी भी काय पलटने वाली है दे नो दिस बिफोर हैंड अब दे नो दिस इवन फर्स्ट हैंड ठीक है कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो उनकी ज़्यादा क्यूट हियरिंग स्किल्स होती है ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं वो सेंस कर पाते हैं कोई भी अप्रोचिंग पास आने वाला डिजास्टर जिससे पहले कि हम रियलाइज कर भी पाएँ कि क्या चल रहा है भाई ठीक है चलो जी तो यहाँ पे पज़ेस पजेस क्या होता है भैया होल्ड करते हैं हमसे भी बड़ी सिक्स सेंस रखते हैं उसके बाद उन्हें पता होता है कब धरती हिलने वाली है मैंगो शेक वाला शेक नहीं है ये <laughs> ठीक है फिर उसके बाद हमें पता चलता है मोर एक्यूट यानी कि दम मोर प्रिसाइज दैन आस ठीक है सो दे मोर प्रिसाइज एंड आर्टिकुलेट दैन आस पेन टेस्टिंग थी मोर एक्यूरे एक्यूट होता है बेटा प्रिसाइज दैन आस और उनकी जो हियरिंग है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अच्छे से सुन सकें और फील कर सकें अर्थ की वाइब्रेशन को ठीक है जो भी उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स में चल रहा है इट कुड बी ईज़िली हर्ड बाय दो पीपल इनफैक्ट ओवर हर्ड वो सेंस कर सकते हैं पास आने वाला कोई भी डिजास्टर अप्रोचिंग क्या होता है भैया पास आने वाला डिजास्टर लॉन्ग बिफोर यानी कि हमसे भी पहले जब ह्यूमंस रियलाइज करें उनके कान रियलाइज करें उससे भी पहले हो जाता है हमने तो मशीन बना रखे हैं ना रियलाइज करवाने के लिए बट उनको उससे भी पहले रियलाइज हो जाता है यानी कि एनिमल्स की पावर जो है मशीन को भी फेल करते दैट्स वॉट द साइंस सेस ठीक है तो यहाँ पे देखो ह्यूमन्स और एनिमल्स में कंपेरिजन ड्रॉ करके बताया है हमारी डेसिबल पावर क्या होती है ईयर ड्रम्स जिसने भी साउंड चैप्टर पढ़ा है प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो ठीक है जल्दी से बताओ कि कितने डेस डेसिबल में होती है माइनस ट्वेंटी से प्लस ट्वेंटी कुछ तो भी ऐसा है ना लाइक इन माई वेग मेमरी आई काइन रिमेंबर दिस थिंग बट नॉट टू श्योर ऑफ दिस तो मुझे जल्दी से बताओ जस्ट आई कुड ऑल्सो गेन समथिंग आउट ऑफ यू है ना तो यहाँ पे हमारे जो है ह्यूमंस दिखा रखे हैं वर्सेस एनिमल्स दिखा रखे हैं दे आर बीइंग रिस्पेक्टफुल टिल द टाइम दे दाड्स आर नॉट बेन यू नो प्रेस्ड ऑफ तो जब इन्होंने अपने गार्ड्स डाउन कर रखे हैं तो कोई बात नहीं है एनिमल्स आर ऑल्सो बींग रिस्पेक्टफुल क्योंकि ये भी हमें तभी रिस्पेक्ट देते हैं ना जब हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं अब इनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी तो एक चीज़ है ना बेटा कि हम दूसरों को मार के तो जिंदा नहीं रह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इससे बढ़िया अपने आप को बचा लो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा है ना ठीक है तो दे गुड टू गो शायद ये अपनी जान बचा रहे हैं एंड मे बी दे आर रेस्क्यूड ऑलरेडी चलो क्लियर है अप टिल नाउ डू वी हैव एनी डाउट लाइक द फ्लोर इज ओपन यू मे आस्क अवे एनी थिंग एनी काइंड डाउट विच यू मे हैव पूछ लो जल्दी से और मे बी ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू ईच ऑफ योर कॉमेंट्स इन अ वाइल्ड मतलब जैसे ही कॉमेंट मैं आपको देखूंगी आई रिप्लाई टू ए ठीक है चलो ओके मूविंग ऑन आगे चलते हैं बेटा आगे बोला है वी कैन नॉट बी श्योर वे वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट हम कभी भी ऐसे फुल्ली श्योर sure नहीं हो सकते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस पावर है या नहीं क्योंकि यानी कि हु नोज वॉट बेसिकली हुड ऑफ थाट या किसी को क्या ही पता है किसी ने कुछ कितनी भी स्टडी कर लिया हम कैसे पहचान पाएंगे इनके पास वो चीज़ है जो हमारे पास नहीं है ना बट द फैक्ट इज़ दैट द जॉइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन फैक्ट ये है कि जब जॉइंट वेव्स आई थी लुढ़कती लुढ़कती इंडियन ओशन की uh, के से होते हुए किल्ड मोर दैन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड या फिर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल इन अ डजन कंट्रीज कितने लोग मारे उन्होंने बहुत सारे देशों का तबाह किया तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड यानि कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कंट्रीज में से देशों को मारा देशों में से लोगों को मारा बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव रिपोर्टेड डेड बट ज़्यादा एनिमल्स जो है उसके झांसे में नहीं आया है दे मस्ट हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड दैमसेल्स और दे मस्ट हैव एस्केप्ड आउट ऑफ द सिचुएशन इन रियल टाइम ठीक है हो सकता है तो इसीलिए बहुत कम एनिमल्स जो हैं रिपोर्टेड हैं कि वो डेड हुए हैं उनके डेथ केसेस बहुत कम आए हैं ठीक है भाई मान लिया तो ऐसा तो है नहीं कि हर एनिमल को बाय बर्थ स्विमिंग आती है मतलब ये तो इस चीज़ में हम हर चीज़ में ऐसे डिनाइल में नहीं चल सकते हैं हम बस अपनी एक्सेप्टेंस में रह सकते हैं कि हाँ वी आर नॉट वी आर अनश्योर ऑफ द फैक्ट इफ़ दे डू रियली प्रोजेस अजेसिक्स अ सिक्स सेंस और नॉट ठीक है तो हमने ये वादी बात बोल दी है बिकॉज यहाँ पे किसी को अभी कुछ नहीं पता है तो जॉइंट वेव जैसे वो रोल्ड रोल, रोल थ्रू यानी कि लुढ़कती हुई जैसे आई थी वो रोल्ड यानी कि लुढ़कती हुई जैसी आई थी तो वैसे ही इंडियन ओशन के थ्रू होकर आई थी उसने 150,000 लोगों को मारा इन अ डजन कंट्रीज़ यानी कि कम से कम एक दर्जन कंट्रीज़ में बारह कंट्रीज़ में तो मारे मारा एक दर्जन में बारह केले होते हैं बट आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन अ डजन तो यानी कि पाव भर किलो भर यानी कि कुछ बहुत सारे कंट्रीज़ में से लोगों को तबाह किया था उसने इतना हमने क्यूमिलेटव निकाल दिया इतना हमारा डेटा कहते हैं बट बहुत सारे लोग जो हैं उनको डेड बहुत सारे एनिमल्स को रिपोर्ट डेड बहुत कम किया गया मतलब बिल्कुल मिनिमल अमाउंट है नॉमिनल बहुत ज़्यादा मतलब जिसको हम मात्राओं में भी ऐसे काउंट नहीं कर सकते एक या फिर दो या तीन बहुत कम चाहे जैसे अगर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का रेशियो है तो उसके रिस्पेक्ट में माने तो भी हम पंद्रह बीस मैक्स सौ डेढ़ सौ इससे ज़्यादा एनिमल्स नहीं हुए हैं डेड ठीक है तो ऐसा हमारा स्टार्ट कह रहा है ऐसा डेटा कह रहा है तो बेसिकली यहाँ पे हम ह्यूमंस ने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट है कि वी आर एंड श्योर टोटली नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट इफ़ दे रियली डू हैव सिक्स सेंस होती होंगी शायद जैसे हम ह्यूमंस में भी बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं प्रिविलेज्ड होते हैं प्रिविलेज तो नहीं होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट एक सिक्स सेंस दे दिया जाता है ऐसा कहा जाता है ना Uh, तो वैसे ही uh, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि शायद एनिमल्स में भी किसी एक आध को सिक्स सेंस दे दिया जाता हो फिर वो कन्वे कर देते हो मैसेजेस आई डोंट नो लाइक हु नोज़ वॉट वी आर नॉट रियली श्योर ऑफ एनी थिंग बट दैन यहाँ पर फैक्ट ये है कि जैसे ही जॉइंट वेव्स दो भयानक विशाल ह्यूज वेव्स वेन दे गॉट थ्रू द लाइव्स ऑफ वन लैक फिफ्टी थाउजेंड पीपल यानी कि इतने लोगों को इतने देशों में सस् मारा था इस वेव्स ने इंडियन ओशन से होकर तो एनिमल्स की ज़्यादा डेथ रेशो नहीं है मोर्टैलिटी कम है ओके okay? तो दैट्स वॉट वीव बिन टोल्ड अभी तक हमें ये पता चला है ठीक है जी क्लियर है कूल cool है सॉर्टेड है चल जाएगा काम आगे देख लेते हैं बेटा आगे क्या बोला गया है हमको ये बोलता है अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट ये हमारा एक कुडालो uh, कुडालोर कोस्ट है Uh, जो क्यूडालोर कोस्ट क्या कहता है बेसिकली वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड मतलब बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए थे पेरिश्ड बफेलोज गोट्स डॉग्स व फाउंड अनहार्म्ड मतलब ये जो कुडालोर, uh, कोस्ट है एक जगह है यहाँ पे बीच साइड पे आपको पता चलेगा जिसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अनहार्म्ड रह गए बच गए मारे नहीं गए हैं किसी भी डिज़ास्टर के थ्रू और ये सी कोस्ट रीजन है यानी कि ये डिज़ास्टर प्रोन रीजन है बेसिकली तो याला नेशनल पार्क ऑफ़ ऑफकोर्स ये जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में इज होम टू अराइटी ऑफ एनिमल्स वो एक घर है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं ठीक है वेराइटी ऑफ एनिमल्स यू मे फाइंड देर ओके यस वेट अ सेकेंड तो यहाँ बोला है बेटा याला नेशनल पार्क में जो श्रीलंका में है वो एक घर है भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के लिए इंक्लूडिंग एलिफेंट्स लेपर्ड्स एंड वन थर्टी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यानी कि एक सौ तीस जातियाँ हैं बर्ड्स की, है, की आ, पक्षियों की सिक्सटी विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्राम पट नांगला बीच एंड बीच इन साइड द पार्क छः छः नहीं साठ सिक्सटी आगंतुक जो भी उस बी नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए आए थे देव वॉश्ड अवे बह गए थे वो पट पटनांगल बीच में पार्क के बीचों बीच जब वो विज़िट करने के लिए आए थे बट कौन रह गया अभी यही तो बताया है तो यहाँ पे एक और बार हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा तो यहाँ पे बोला है बेटा इंडिया का ये जो कुडालोर कोस्ट है कोस्ट जहां पे बहुत हजारों पीपल जो है आ, पेरिश वो बताते हैं कि बफेलोज बाफ, goats डॉग्स ये सारे अंठ निकल गए उनको कुछ भी नहीं हुआ है यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए पेरिश यानी कि दे वकील्ट वहीं पे ही बफेलोज goats डॉग्स इनको किसी ने छुआ तक नहीं इनके साथ कुछ इनका कबाब का, का का का, इनका बाल भी बाका नहीं हुआ है ठीक है दैट्स वर्ट द पॉइंट हियर इज नाउ जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में वो वेराइटी है बहुत सारे एलिफेंट्स के लिए लेपर्ड्स और वन थर्टी और बर्ड्स हैं उनका घर है लिटरली वहाँ पे छ छा, साठ छः बोल रहे हो बार बार सिक्सटी विजिटर्स आगंतुक जो आए थे विजिट करने के लिए पार्क के बीचों बीच पटनांगल बीच में मारे गए थे बट लेकिन इस स्टार्ट्स को आप याद रखेंगे बेटा तो यहाँ पे बोला गया बेटा जो मोर्टैलिटी रेट है मोर्टैलिटी क्योंकि हम तो डम्ब होते हैं हम ह्यूमंस में तो सुनने की पावर नहीं है हम तो नाकाम के नकाज के एंड यू नो द रेस्ट है ना तो मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमंस ड्यूरिंग डिजास्टर टाइम इज मच 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 ग्रेटर दैन एनी ऑफ दी एनिमल्स वो अपने आप को बचा लेते हैं तो, तो अच्छी बात है ठीक है यार हम वैसे ही ह्यूम इतने दुष्ट होते हैं है ना इनको मारते हैं खाते हैं फिर बहुत सारे काम करते हैं इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो वही वाली बात है कि वी आर ऑट टू सफ़र अ ल लॉट है ना ये दिस इज़ नाट ह्यूमैनिटी दैट वी डू बट एनिमल्स आर क्यूट दे आर नाइस दे आर very much humanly to have around मतलब humanitarianism factor पे देखो तो इनका हमसे बहुत ज़्यादा होता है emotional quotient भी high हाँ होता है इनका happiness index भी high हाँ होता है इनका survival है इनका इनका main instinct यानी कि इनको survival ही करना है इनको career इनके लिए main aspect नहीं है बस all they have to do is survive through this life ठीक है तो यही बोला गया है mortality के बारे में अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बम्बार्ड मत करना मैम पढ़ाई क्यों होती है मैम वी डोंट वांट टू स्टडी ओनली इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ आपको एनिमल्स के बारे में जस्ट अडॉप्ट अ पेट इफ़ एट ऑल इफ़ एनी गुड दैट यू वांट टू डू एट द मोमेंट ठीक है अडॉप्ट अ पेट तो ये ये शिक्षा ले लेना ले बट ये मत बोलना मैम पढ़ाई को अब बैंटेन करना ऑल ऑफ दैट पिट्टी पड़ जाएगी ठीक है चलो अब आ जाता है बेटा नो एनिमल का कैसेज व फाउंड यानी कि एनिमल के ट्रेसेस कोई मरे हुए मिले ही नहीं वहाँ पे बोला छः बोल रही हूँ फिर से साठ विजिटर्स मारे गए थे पार्क के बीचों बीच ठीक है पटनांगल बीच पे आ, पार्क के बीचों बीच आ, वहाँ पे जब विजिट करने आते हैं लेकिन कोई एनिमल के ट्रेसेस ही नहीं मिले का कैसेस नहीं मिले हैं ठीक है का कैसेस क्या होता है बेटा ट्रेसेस नहीं मिले एक सेकेंड पेन टेस्टिंग थी कोई भी एनिमल ट्रेसेस नहीं मिले हैं एक्सेप्ट बजाय कि दो वाटर बाफेलोज यानी कि दो सिर्फ वाटर बाफेलोज ही मारे गए थे बस और कोई ट्रेसेस आई नहीं अबाउट एन आर बिफोर द सुनामी हिट यानी कि एक घंटे पहले जब सुनामी हिट किया था ना उससे एक घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व थ्री एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पटनांगल बीच तो बहुत सारे लोगों ने याला नेशनल पार्क से ऑब्जर्व किया था यानी कि एक घंटे पहले सुनामी के आने से भी एक घंटे पहले एलिफेंट्स को पता चल गया था और तीन एलिफेंट्स वहां से भाग गए थे पटनांगल बीच से सोचो तो पटनांगला बीच इतना प्रोन रीजन होने की वजह से एनिमल्स तो सारे भाग गए देन हमारे ह्यूमस सेना मारी गई ठीक है तो हमें ये पता चला है तो अभी तक हमने इन स्टार्ट्स को अच्छे से याद रखेंगे बेटा आई एल शो यू सम एनिमल्स ऑल्सो फॉर सम क्यूटनेस एंड जस्ट सो इट कुड मेक योर डे अ लाइव एंड हैप्पी तो फिर आप दिखाऊंगे अभी धैर्य रखो थोड़ा सा यहाँ पे बोला गया है बेटा कि इंडिया का और कोस्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब ह्यूमंस मारे गए हैं उस कोस्ट पे आ, डिजास्टर प्रोन रीजन था बफेलोज गोड्स डॉग्स उनको छुआ तक नहीं किसी ने याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वो घर है इतने सारे जानवरों का जिसमें एलिफेंट्स होते हैं लेपर्ड्स होते हैं एक प्रकार की स्पीशीज़ होती हैं उनको तो उड़ जाना चाहिए नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए स्पीशीज़ को है ना साठ विजिटर्स वहाँ पे बह गए थे पाटनांगल बीच में पार्क के बीचों बीच लेकिन देखो ऐसे हो हाल होता है सुनामी के बाद कोई एनिमल के ट्रेसेस नहीं दिखे एक्सेप्ट दो वाटर बाफेलोज थी बस यही भैंस थी ठीक है एक घंटे पहले जब सुनामी आने वाला था तो पीपल लोगों ने देखा था याला नेशनल पार्क में ऑब्जर्व किया था कि एलिफेंट्स भाग रहे हैं पटनांगल बीच से ठीक है नाउ हो यहाँ देखो ऐसे हाई हाइटाइटल वेव्स आती हैं बेटा विच नो वन हैज कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स ठीक है एक सेकेंड पहले मैं आपको एनिमल्स दिखा दूँ ये देखो क्यूट क्यूट एनिमल्स हैं अभी इसको भी रैप अप करेंगे हम सो दिस इज हाउ योर एनिमल जू लुकड लाइक ये जो याला नेशनल पार्क है इसकी फोटो है कुछ इस प्रकार से जिसमें से जैसे मान लो तीन एलिफेंट्स गॉट एस दे एस्केप्ड बेसिकली सो थ्री एलिफेंट्स एस्केप्ड पिक पिकॉक है यहाँ पे मंकीज हैं यहाँ पे डियर्स हैं यहाँ पे नाइटिंगेल है यहाँ पे लेपर्ड्स हैं तो ये आला नेशनल पार्क इज अमेजिंग तो यहाँ पर से तीन एलिफेंट्स एस्केप्ड विदाउट एनी परमिशन उनको लगा कि यार बस घमासान हो जाएगा कलयुग आ गया है वैसे भी सो इट्स बेटर दैट वी गेट ऑफ ओके ठीक है पेन टेस्टिंग अगेन यहाँ पे देखो यार मैंने डियर लायन ये कौन है भैया राइनसो राइनसो ओके okay. Uh, ये कैंगरू टाइप्स कुछ है ये है जीब्रा ये दिस इज़ आर जराफ ये ठीक है चलो कुछ तो याद है लाया है मैंने जस्ट हैव लुक एट दिस क्यूट क्रिएटर्स एंड देन वी मूव अहेड तो देखो हाई टाइडल वेव्स हैं इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है ऐसे आती है चाहे आपको लगे नीचे से आ रही हैं आप यहाँ से बच जाओगे तो ऊपर से आ जाएंगी तो यहाँ पर आप क्या कर सकता है बताओ कोई यहाँ से बचोगे ऊपर से हाई लाइन वेव्स आ जाएंगी लो लाइन से बचोगे हाई लाइन आ जाएगी ऊपर इसके चाहे कितने भी लंबाई क्यों ना हो इसके आगे इतने फ्रिक इतने फोर्स के साथ आती है ये जब ये किसी को किसी बिल्डिंग को हिला के रख दे तो हमारा तो क्या ही वेट है है ना हम में तो कोई जान ही नहीं है वे आर नॉट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली चलो जी यहाँ पे आगे क्या बोलता है बेटा श्रीलंकन जेंटलमैन लिव्स ऑन दी कोस्ट नियर गैले

जो मतलब गैले के कोस्ट में किनारे पर ही रहता था उसने कहा था दो डॉग्स हैं उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल कि हम बीच पे रनिंग के लिए जाएंगे ही नहीं आज तो जाने ही नहीं है रो दिया और वहीं पसर के बैठ गए एंड दे वर जस्ट लिविंग इन डिनाइल उस दिन तो कि भैया बस चाहे कुछ हो जाए चाहे आंधी चाहे तूफान हमें घर से नहीं हिलना है कितनी स्ट्रॉन्ग इंटुशन रही होगी ना उनकी दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग वो दिन का एक ऐसा समय होता है जिस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये बाहर जाने मिलेगा पार्टी होगी घूमेंगे फिरेंगे रिस्पेक्टिव अपने सगे बंधु फेलो डॉग से मिलेंगे डॉगशिप होगी थोड़ी फ्रेंडशिप जैसे होते डॉगशिप होगी अच्छे से बातें बातें करेंगे बट उस दिन वो एक्साइटेड ही नहीं थे उस दिन तो काया ही पलट गई थी बिल्कुल ठीक है थिंग्स टर्न अदर वे राउंड कम्प्लीटली तो उसने ऐसा बताया था बट ऑन दैट डे उस दिन दे रिफ्यूज टू गो उस दिन उन्होंने मना कर दिया नहीं जाएंगे एंड मोस्ट प्राउबली सेव्ड हिज लाइफ और सबकी जान बचा ली बेसिकली डॉग्स ने अपनी तो जान बचाई फैमिली में भी सबकी जान बचा ली अगर उस दिन सुनामी आ जाता तो उन सबको ले जाता तो डॉग्स की पावर बहुत बड़ी और उनको रखने का भी फायदा हो गया एक ह्यूमंस के पास तो यार उनको अडॉप्ट कर लेना ही सही है ना बेस्ट बात तो यही रहेगी बेस्ट डिसीजन कि उनको अडॉप्ट ही किया जाए ताकि वो हमें टाइम टू टाइम सारे इंस्टिंक्ट्स के बारे में बता सके है ना चलो तो यहाँ पे एक वर्ड है रिफ्यूज़ यानी कि डिनाई कर दिया यानी कि मना कर दिया कि वी विल नॉट वी विल नॉट वी वोंट गो आउट वी वोंट गो आउट हड़ताल पे ही बैठ गए वो तो बिल्कुल ठीक है तो ये डेली रन के लिए मना कर दिया पहली बार ऐसा हुआ था बट जान बचा ली उससे अपनी तो ये तो उन्होंने बेस्ट काम कर लिया ठीक है बेटा तो इसी ऑन दिस नोट ये जो ब्यूटिफुल सा पेज है हमारा इसी के साथ हमारी आज की टॉपिक आज का जो टॉपिक है पार्ट थ्री वो होता है ख़त्म खत्म खत्म ठीक है बेटा तो हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली जस्ट सो वी कुड हैव सम नॉलेज एंड हैव गेन रफ आइडिया अबाउट दीज थिंग्स कि हमें पता चल जाए अच्छे से तो क्यू एन ए सेशनस इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आपका कॉम्प्रीहेंशन चेक हो जाए ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक हमने ये पढ़ा है और आपकी एक सेल्फ़ इवेल्यूशन हो जाए सेल्फ असेसमेंट हो जाए जिसमें कि मैंने जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स के बारे में पता चल जाए आपको अपनी हियरिंग स्किल्स जो सुनामी में जानवर पहचान जाते हैं ना आप अगर मैम की बात तक नहीं पहचान पाए पह, इसका मतलब आपने सुना ही नहीं आपका तो और भी बुरा हाल है ठीक है <laughs> तो अपनी जस्ट ट्राई एंड टेस्ट योर हियरिंग स्किल्स ताकि आपको पता चले कितने डेसिबल्स पे आप सुन सकते हो मैम की बातें जिसने क्यू एन ए के सारे आंसर्स बढ़िया तरीके से दे दिए और सॉल्व कर लिए दैट मीन्स यू आर टू गुड टू गो ठीक है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपके टिप्स पे होगा एकदम ठीक है तो यहाँ पे क्यू एन ए टाइम है हमारा क्योंकि हमने इस टॉपिक को किया है खत्म तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कहता है इन द सुनामी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल डाइड ये हमें पता है हाउ मेनी एनिमल्स डाइड कितने जानवर मरे ये आपको बताना है सुनामी अटैक में जब एक सौ एक सौ पचास हजार लोग जब मरे तो जानवर कितने मरे ठीक है तो यहाँ पे बोला गया था बेटा कि किलो भर मतलब सॉरी दर्जन भर कंट्री से लेके अगर हम देखें तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल डाइड बट एनिमल्स का रेशियो तो बहुत ही नेग्लिजिबल था मतलब नॉट मैनी एनिमल्स डाइड तो वही लाइन हमें पूरी चेपनी है तो एग्जैक्ट काउंट जो है नहीं बताया गया बट उनके ह्यूमन्स के कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं था राइट तो यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं बेटा यस yes. यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि सुनामी अटैक पे जब वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल डाइड तो ऑल दो हालांकि जो जॉन्ट वेव्स हैं दैट रोल्ड अप वो आ गई थी इंडियन ओशन से होकर भी और इसकी वजह से वन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल डाइड इन अ डजन कंट्रीज़ बट ज़्यादा एनिमल्स जो हैं इतना रिपोर्ट में नहीं आया कि वो देव बिन देव फाउंड डेड एग्जैक्ट काउंट डेड एनिमल्स का इज नॉट नोन वो हमें नहीं बताया है कम्पेयर कम्पेयर टू ह्यूमन कैजुअलिटीज़ ह्यूमन की जो डेथ रेट्स है वो ज़्यादा है तभी मैंने आपको मोर्टैलिटी रेट दिखाया ना मच 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 ग्रेटर दैन एनिमल्स था ह्यूमन्स का तो ठीक है चलो कोई नहीं हम होते ही दुष्टें इतने हैं ना पाखंडी होते हैं हम बहुत ही ज़्यादा यू नो ऑल द नेगेटिव कॉनोटेशन दैट आईम ए हैव इन माई माइंड इज फॉर ह्यूमन्नली सो एनिमल्स आर मच 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 ग्रेटर दैन ह्यूमन्स इन एवरी आस्पेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क लोग और जानवर कितने याला नेशनल पार्क में मरे है इसमें भी कंपैरिजन बता दो बेटा तो सिक्सटी विजिटर्स दे स्वेप्ड अवे दे वर ऑफ दे स्वेप्ड ऑफ यानी कि दे वर स्वेप्ड ऑफ बाय द एट पटनांगल बीच इनसाइड द याला नेशनल पार्क बीच के अंदर ही हुआ था ये इस पार्क में बट नो एनिमल का कैसेस यानी कि कोई केसेस थे ही नहीं एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बाफेलोज यही तो हमने बताया है ठीक है दो वाटर बाफेलोज थी बट बस भैंसे थी और कोई भी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क लोग क्या कहते हैं याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में कि सुनामी के ठीक एक घंटा पहले उनको भागते हुए देखा था तीन एलिफेंट्स को ठीक है सो द पीपल प्रेजेंट एट द याला नेशनल पार्क ऑब्जर्व लोग जो वहाँ थे याला नेशनल पार्क के व्हाट डिड दे ऑब्जर्व बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व उन्हों किया दैट थ्री एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटनागल बीच प्रायर टू द टाइम ऑफ सुनामी यानी कि वन आवर इवन बिफोर सुनामी सो अबाउट एन आवर गो बिफोर सुनामी हिट दैट प्लेस सुनामी के आने के एक घंटा पहले ये सब भाग लिए एकदम फरार हो गए तो बच गए फिर बढ़िया हो गया है तो है ना एनिमल्स तो बचने ही चाहिए नेक्स्ट ने लास्ट क्वेश्चन बिताइए वट डिड द डॉग्स इन गाले डू वो जो गाले में थे वो डॉग्स क्या करते थे वो बीच पे गए ही नहीं सो द डॉग्स इन गाले रिफ्यूज टू गो फॉर देयर इवनिंग आउटिंग वो जो वॉक पे जाते हैं डेली रन पे जाते हैं मना कर दिया बीच पे और क्योंकि सुनामी ने उस दिन कोस्ट को हिट किया था उस दिन कुछ भी हो सकता था बट दे सक्सेसफुली मैनेज टू सेव हिज एंड देयर एंड देयर ओनर्स लाइफ राइट तो ये भी बढ़िया हो गया जान बचा लिया यार उससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है राइट right? सो दैट्स दैट्स इट्स आई गेस वी आर डन विद द टॉपिक थर्ड पार्ट हम लोगों ने सुनामी का बहुत ही सक्सेसफुल बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्बैट किया है हमारी स्कॉलरशिप की तरह तो इससे मुझे याद आया स्पीकिंग ऑफ कॉम्बैट स्कॉलरशिप लेट मी टेल यू मोर लाइक समथिंग मोर अबाउट अन अकेडमी आस्क डाउट बेटा इस डाउट फीचर में आप दुनिया का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे आपको हाई क्वालिटी सोल्यूशन वीडियोज़ जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी आपको एग्जैक्ट मैचेस रिसीव होंगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन से आप ऑप्टेन कर सकते हो इंस्टेंट और मतलब एक्यूरेट सोल्यूशन किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी दुनिया का सवाल हो उसका सोल्यूशन आपके सामने मिलेगा आपको बट बात यह है सवाल ही आता है हाउ टू आस्क वास्क डाउट कैसे पूछे डाउट आप जब भी, भी क्लिक करोगे आस्क डाउट पे ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक अ पिक्चर टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट जहाँ से भी जॉन सी भी बुक्स आपने वो डाउट उठाया है जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट वेरी डाउट उसके बाद आप उसको क्लिक करो या सिलेक्ट करो उस क्वेश्चन की पिक्चर की उसको क्लिक करो उसको क्रॉप कर दो ताकि क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो बढ़िया तरीके से दिख जाए उसके बाद कुछ नहीं करना आपको उसको किसी कैटेगरी में डालना है बस कि कौन से सब्जेक्ट में वो डाउट आपका पड़ता है फिर उसके बाद आराम से बैठ जाना है और डाउट के आने का वेट करना है तो मैजिक से एक डाउट आपके पास में आ जाएगा ठीक है बेटा अब बेटा कुछ डूज एंड डोंट्स है आई लास्टिंग आर डाउट्स हम ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा आपको मल्टीपल डाउट्स नहीं पूछने है सो आस्क वन डाउट एट अ टाइम उसके बाद दूसरा पूछ लेना कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं सो आफ्टर यू गेट डन विद वन डाउट ऑफ योर यू मे आस्क मैनी अदर डाउट्स बट वन एट अ टाइम मेक श्योर दिस थिंग मेक श्योर ऑफ़ दिस थिंग दैट यू नीड टू इंश्योर बेसिकली ना आपको क्या करना है बेटा अवॉइड करना है कि हैंड रिटन नोट्स ना हो आपके हैंड रिटन डाउट्स ना हो जो भी आपका सवाल हो ना वो प्रिंटेड हो तो अच्छे तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा अब अन अकेडमी कॉम्बैट चैलेंज स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए जिसमें आप एक करोड़ की स्कॉलरशिप को मतलब जीत सकते हो अपनी अकैडमिक्स को फंड कर सकते हो क्यों घर वालों पे इतना प्रेशर डालना है ना जब हमारे पास अपना खुद का दिमाग है तो वी आर प्रिवेलेज इन आफ दैट वी आर नॉट दैट वी आर नॉट एनिमल्स ठीक है वी आर फार मोर प्रिवलिज सो वी मस्ट यूज़ आर ब्रेंस एंड विन दिस स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज़ वन करोर आपको क्या करना है बेटा ये फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड आप पे आपके जो है डबल बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप अच्छे अच्छे प्राइज़ भी जीत रहे हो अवार्ड जीत रहे हो वन करोड़ इज अ मैसिव अमाउंट और सिक्स से एट तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बारह बजे होता है हर संडे अपने आप को फटाफट से इनरोल कर लिया करो जैसे ही मैं आपको ये आवाज़ मारू ना ऐसे करके यू मस्ट एनरोल योर सेल्फ आफ्टर वी आर डन विद द क्लास ठीक है तो ये आपके लिए बढ़िया सा चैलेंज हो जाएगा जल्दी से इनरोल करो इसको जल्दी से जल्दी से ना लेट मी टेल यू सम मोर लाइक लेटेस्ट फीचर्स ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें बेटा आपको ना लाइव सेशंस आपके घर बैठे बैठे कंफर्ट जोन में मिल रहा है ठीक है तो यू कैन एक्सेस टू एनी ऑफ दीज फैसिलिटीज जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं जो आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं uh, आपको उनका फ़ायदा उठाना है उनकी नॉलेज को जो है वो गेन करना है एज मच एज यू लाइक एंड एज मच एज यू वॉन्ट अनलिमिटेड एक्सेस है बेटा आपके पास सारे कोर्सेज़ का इफ़ यू हैव दिस प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते होंगे अब इतनी एग्जॉस्टि एग्जॉस्टिव कवरेज हो जाती है सिलेबस की इधर उधर के झंझट होते हैं बट दिस ऐप इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन दिस फीचर इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू एनी ऑफ द डाउट्स ना मैंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको उसके साथ साथ फ्री में मुफ्त में मिल रहा है ठीक है पी डी एफ में स्टडी मटीरियल आपको पूरा का पूरा मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है लाइव टेस्ट सीरीज बैच कोर्सेस सब कुछ आपको बताया जाता है तो क्यों टेंशन लेते हो यार मत लिया करो बस अन अकेडमी ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग देख लो जो भी जिस भी हिसाब से आपको ठीक लगे आप उसको परचेज कर लो बिना किसी देरी के क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के झंझट से आपको मिल रहा है छुटकारा तो चाहे वो सिक्स मंथ्स बेसिस पे हो चाहे ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी फोर मंथ्स बेसिस पे दिस इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट एंड योर बजट ठीक है ज़्यादा प्रेशर नहीं है बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इधर उधर धक्के खा रहे हो तो फिर इधर ही आ जाओ इधर ही ठीक है ना मुन्ना ना इधर उधर नहीं जाना है तो अप्लाई कर देना ये कोड निधि जीरो वन इसमें तो फिर बस टेन परसेंट ऑफ तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ठीक है also सो बेटा अरगर अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसी को चाहिए तो उसके फीचर्स क्या है बेसिकली कि ग्रुप स्टडी से हम हो जाते हैं परेशान वे आर नॉट कम्फर्टेबल इनफ एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट तो आप वन ऑन वन सेशन ले सकते हो अपने एजुकेटर के साथ आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशनस होंगे फटाफट से आपकी पेरेंटल काउंसिलिंग भी होगी स्टडी प्लानर बनाया जाएगा सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसमें वीकली रिपोर्ट आपकी बताई जाएगी तो आपको पूरा अच्छे से कोच किया जाएगा जैसे कि डाइटिशियन जब पर्सनल ट्रेनिंग देता है तो वो पर्सनल डाइट चार्ट बना के देता है तो उसमें डबल एफिकेसी uh, रेट होता है है ना वेट लूज या फिर गेन करने का जो भी आपको चाहिए जिस हिसाब आप से आपको जाना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो है आपको प्राइसिंग uh, इस तरीके से दी गई है सिक्स टू ट्वेल्थ के लिए है ये सभी पे वैलिड है सभी पे लागू होती है जिस भी तरीके से आपको प्रोसीड करना है आप उसमें कर सकते हो अप्लाई कोड अप्लाई करना मत भूलना फिर से बता रही हो ठीक है चलो जी तो आपने बस और क्या करना है बेटा इन कॉस्ट की वैलिडिटी होती है जो जल्दी से एक्सपायर भी हो जाती है तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करने कर लेना होता है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है तो डू नॉट वेट फॉर एनी अदर चांस टू तो अराइव कोई मैजिक नहीं होगा आपके पास में यू ओनली हैव टू फाइट फॉर योर अकेडमिक्स ठीक है तो अब जो है फटाफट से कोई भी अन अकेडमी का प्लस का सब्सक्राइबर बन सकता है आपको सिर्फ डाउनलोड करना है अन अकेडमी ऐप आज ही गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा आपको कोड लगाना है बस ये वाला नथी जीरो वन एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट आपको सारे फीचर्स बता दिए टॉपिक बता दिया क्यू एन ए करा दिया अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दिया टॉपिक के बारे में भी और अन अकेडमी के फीचर्स के बारे में और आपको क्या चाहिए मतलब आज के सेशन के लिए सब चीज़ें काफ़ी है नहीं सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द टाइम बींग तो आज के लिए हमारा जो है पार्ट थ्री टॉपिक खत्म हो गया है जाने से पहले ऑल आईड लाइक टू टेल यू इज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग क्योंकि uh, बहुत अच्छे से हम लोग जो है कॉपरेट करके अगर ये तीन पार्ट्स को अच्छे से कर लें इनका अमालगुमेट करके इसको अच्छे से पढ़ लें देन नथिंग लाइक इट फिर उसके बाद हमें इसके बाहर से एक भी वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कोई रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत नहीं होगी जो भी आएगा एग्जाम में से यहीं से ही आएगा घूम फिर के ठीक है तो आई होप यू फाउंड द सेशन इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एट द सेम टाइम आई मीन आई तो लव द सेशन ट्रूली एंड एब्सोल्यूटली मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ तो आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम डू नॉट फर्गेट आई सेट आई रिपीट माइंड यू गाइज डू नॉट फट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाई